सो हेलो गाइस, वेलकम बैक। दिस इज आवर सेकंड डे टू बुकोविल ट्रिप। गाइस अभी हम लोग निकलना है, बस ये देख सकते हो आप। आइए चलिए चालू करते हैं गड्डी नाल। सो गाइस अभी तो हम लोग राकीब में है, ये हमारा होटल देख सकते हैं, हॉस्टल ही है, होटल क्या है। हाँ, और इसके बाद में अब हम लोग जा रहे हैं, 50 किलोमीटर का ड्राइव है बुकोविल के लिए। पहले बता दूं, इट इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय ड्रीम हॉस्टल। सो गाइस बुकोविल पहुंच के हम लोग वहां पे जो जो चीजें करेंगे उसका वीडियो में बनाऊंगा। हेलो गाइस, कैसे हो आप लोग? तो फिर आज हम लोग बुकोविल के लिए निकल रहे हैं, और बुकोविल स्पेशली यार फेमस तो स्की के लिए है, बट हम लोग जा रहे हैं, हम तो जा चुके हैं ऑलरेडी, मैं और ये भाईजान हम लोग स्की कर चुके हैं 2021 आई थिंक न्यू ईयर पे हम लोग आए थे 2021 में, और ये अपने जो दोनों भाई हैं ये नहीं गए हैं बुकोविल, ये लोग पहली बार ये कार्पेथियन माउंटेन्स पे आ रहे हैं। तो गाइस अभी देखते हैं कार्पेथियन माउंटेन का भी नज़ारा दिखाएंगे अभी आगे का सफर चल रहा है, रास्ते में रुकने दिखाते हैं। हाँ, रास्ते में रुकेंगे, सबसे अच्छा व्यू गाइस रास्ते में। और गाइस कुछ भी होता है तो आप लोग को अपडेट देते रहेंगे, आप लोग प्लीज ब्लॉग को लाइक करें, एंजॉय करें। बस एक व्यू लेना है, बस व्यू लेना है। इधर जाओ, तुम्हारा फोटो लेता हूँ, जाओ भाई फट रही है। अब्दुल जाओ ना इधर, कैसा लग रहा है भाई? ऐसे पूल में कभी आए हैं? मुश्ताक भाई अभी हिलेगा भाई, अभी पूरा हिलाएंगे अभी। ए अब्दुल डर क्यों रहे, जाओ इधर जाओ, देख सकते हैं गाइस ये नज़ारा इतना खूबसूरत। अभी हम लोग यहाँ पे रुके थे, कैसा लगा ये नज़ारा गाइस? अच्छा लग रहा, इससे अच्छा नज़ारा अभी सनी तुमको दिखाएगा, फिर से सनी भाई दिखाएंगे। सनी भाई, सनी भाई हमारा गाइड है, सनी भाई हमारा गाइड, सब कुछ है भाई इस भाइयों में, भाई सनी भाई। ब्रो कैसे हो? कितना क्या मस्त व्यू है भाई, देख लो भाई क्या जबरदस्त व्यू वहां का। हां अरे रुको ए बे, ये व्यू देख सकते हैं गाइस। और इमरान ब्रो, इमरान भाई कैसा लग रहा है व्यू भाई? सारा एंजॉय करने ए सुन भाई, कैसा लग रहा है? सनी ओए बंद कट रहा, देखना कैसे लग रहा है, अच्छा लग रहा है, ठीक है ना, एकदम व्यू भाई। एक गिरना मत, हां ब्रो आप आगे गया साइड, आगे नीचे वाली हो, देख सकते हो गाइस व्यू यहां पे कितना शानदार भाई है। ये है बुकोविल की खूबसूरती गाइस। अगर सर्दियों में आना गाइस, इतना बर्फ से ढक जाते हैं, इतना खूबसूरत लगता है। अभी तो खैर बर्फ पिघल गई है, लेकिन फिर भी बहुत अच्छा नज़ारा लग रहा है। आ जाओ अब्दुल, अब्दुल मेरा अब्दुल है कि क्लोजअप लेना यहाँ पर, ये कैसा लग रहा है? एक नंबर गाइस, सेल्फी हम तीनों, आ जाओ। अरे भाई कितना, अब एक फोटो लेना है। सो गाइस देख सकते हैं सारे लोंडों ने यहाँ पे हमारे जो है सेक्सी सेक्सी लोंडे लगा लिए हैं। हाँ गाइस, तो गाइस देख सकते हैं यहाँ पे हम लोग जो है काफी अच्छा नज़ारा है, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग ने फोटो शूट किया अभी, आराम से देख सकते हैं भाई क्या नज़ारा है भाई, बिलीव मी भाई बहुत सुंदर। अभी दिखा रहे हैं कुछ भी, सामने वाला भी नज़ारा दिखाओ नज़ारा ये। सो गाइस अभी हम लोग सबसे हाईएस्ट पॉइंट पे हैं, तो यहाँ देख सकते हैं हाईएस्ट पॉइंट के से नज़ारा। सो लौंडो इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ,
वीडियो में दो सुनील भाई सर एक बार सबको हाय बोलो भाई कुछ कुछ बोलो हेलो गाइस हाय सबसे सनी ये सबसे हाईएस्ट पॉइंट है ना ये हाईएस्ट गाइस सबसे हाईएस्ट वो वाला तो अभी मतलब हम लोग वहीं पे हैं हाईएस्ट पे ही हैं तो कितना कितना अच्छा लग रहा है भाई बहुत अच्छा बहुत अच्छा मजा आ गया ये वाला गांव दिखाओ देख सकते हो गाइस और समय में हरियाली और मस्त रहेगी चलो चलिए आज बाटे बाटे से अंगूरी लाके गाइस देख सकते हैं यहाँ पे कितनी शानदार नज़ारा और यहाँ पे लोग स्कीइंग के लिए यहाँ पे ट्रॉली का इस्तेमाल करते हुए गाइस गलिया दे वो गलिया उसको दो चार बार बढ़िया खाने का ऊपर ही है तो गांड मारा रहे हैं इधर उधर हम लोग क्या करें सुनील को भी बता बकोल में खाने का कुछ नहीं मिलता बच्चों की काट रहा है भाई देख सकते हैं क्या नज़ारे है भाई ये और भाई लोग भाई कितने क्या खूबसूरत है भाई इमरान भाई कुछ बोलना चाहते हैं इस नज़ारे को देख के आप नज़ारों के देख के हमारे पास कोई शब्द ही नहीं है बहुत खूबसूरत और अब्दुल भाई अच्छा लग रहा है मस्त एकदम मस्त लग रहा है बहुत खूबसूरत है भाई कैसा लग रहा है अरे भाई जान भूखे लोमड़ी की तरह घूम रहा हूँ भूखा भूख लग रहा है नहीं चलो चलते हैं गाइस अभी खोज रहे हैं हम लोग यहाँ पे रेस्टोरेंट अच्छा रेस्टोरेंट मिल नहीं रहा है और आधे दोस्त हमारे पता नहीं कहाँ चले गए तो उनको खोज रहे हैं हम यहाँ पे देख सकते हैं गाइस कितने अच्छे नज़ारे और ये बच्चे जो है स्कीइंग कर रहे हैं ओ भाई देख रहे क्या खूबसूरत है भाई क्या खूबसूरत है ना जुनू भाई भाई वीडियो ही बन रहा है भाई सो गाइस अभी हम लोग जा रहे हैं कुछ खाने के लिए ये हमारा हमारे कुछ दोस्त यहाँ पे हैं अभी और हमने काफ़ी अच्छे मस्ती भी किए यहाँ पे अभी आके भाई कहाँ पे है भाई क्या नज़ारा है भाई यहाँ पे लोग का भीड़ देखो स्कीइंग हाँ मैं देख लिया अर्जुन भाई आप थोड़ा ऊपर देखिएगा देख सकते हैं बच्चे क्या मस्त स्कीइंग कर रहे हैं भाई क्या व्यू आ रहा है भाई एक बार ट्राई किया था लेकिन भाई नहीं हो पाया था मेरे से बहुत गिरा था मैं चलो ये पड़े हैं उठाते लगा देते हैं हैं तेरे सारे पड़े लगा देते अरे भाई फ्री का माल फ्री का माल ओ भाई क्या नज़ारा है भाई करो ऐसा बात नहीं आएगा जाएगा रहने दे तू जिंदा रहियो तुनु भाई और बताइए आप कैसा लग रहा है यहाँ पे आके एक नंबर हमारे जुनू भाई सॉरी अब्दुल को जो है वो ऊपर जाना था लेकिन आप लाइन देख सकते हो भाई कितनी बड़ी लाइन है ना सिर्फ जाने की कि टाइम ही नहीं मिल पाएगा और ये स्किंग करना था हमारे जुनू भाई को लेकिन लाइन इतनी ज़्यादा है ना कि आज तो नहीं हो पाएगी क्या भाई नेक्स्ट टाइम ठीक है देखते हैं सबसे पहले देख लो भाई कितना अच्छा व्यू है ठीक है यहाँ देख लो घुमा दो भाई कितना मस्त व्यू है हम लोग जो सोच के आए थे वो तो नहीं हो पा रही है लेकिन हाँ इसके बाद हम लोग बोधा क्लब जाने वाले हैं वहाँ पे जरूर दिखाएंगे बहुत अच्छा अच्छा वहाँ पे व्यू भी है और हम लोग बोधा क्लब में नेक्स्ट नहीं बहुत अच्छा अच्छा मतलब व्यू है आप वहाँ पे जाओगे अंधेरे में क्या व्यू होता है अरे भाई अरे वही मतलब हरियाली मुश्ताक भाई को देखना है हरियाली हरियाली वैसी हरियाली नहीं अस्तफुल्ला लेकिन हाँ वहाँ पे अच्छा सा आप चलोगे ना हम चलेंगे वहाँ पे भी व्यू बनेगा वहाँ पे मैं दिखाऊंगा कितना अच्छा आपको लगेगा भाई सुकून है भाई गरम गरम पानी एकदम स्विमिंग पूल में होगा तो वहाँ पे चलेंगे गाइस तो यो सो गाइस देख सकते हैं हमारे लड़ने से हम लोग जो है वो दखल आ चुके हैं ये अब्दुल
देख लो भाई, अब्दुल भाई देख लो, अब्दुल भाई कैसा लग रहा है? तुम एक्सपीरियंस फर्स्ट टाइम है ये? हां फर्स्ट टाइम है अब्दुल भाई का। तो चलिए गाइस चलते हैं अंदर। पहले स्विमिंग पूल ना पूरा करेंगे भाई, ठीक है? स्विमिंग पूल एंड जकूजी कुछ भी करेंगे। चलो गाइस, ये तो इसमें डंगे तो मजा आएगा। हां ये अब्दुल हमीद अब्दुल हाउस। तो गाइस ये देख सकते हैं हमारे लौंडे यहाँ पे रेडी होते हुए थोड़ा सेल्फी देखो पूल में जाने के लिए। कैसा लग रहा है गाइस? ये और अब्दुल हमीद, अब्दुल हमीद ये है हमारा अब्दुल हमीद। चाबी इसने अंदर रख दिया था, बाद में देख लेना पड़ा। ये चाबी है, चलो गए साहब। देख सकते हैं ये गाइस, चुनो भाई कैसा लग रहा है यहाँ का फीलिंग आपको? मस्त ना? अब सो यहाँ पे गाइस अपन थोड़ा सा शॉर्ट ब्रेक लेने आए हैं वोदा क्लब के अंदर। ये अपना स्विमिंग पूल होता है यहाँ पे, इधर हम लोग का इधर अंदर में सोना है और ये रेस्टोरेंट है। इधर से देखा गाइस कितनी खूबसूरत है भाई, मतलब बोला था ना आपको कि मजा आ गया। पिज्जा आ गया गाइस, आइए देखिए पिज्जा आ गया अपना। अब इसको खाने जाएंगे हमारे मुश्ताक भाई, बताएंगे इसका टेस्ट, अब्दुल बताएंगे कौन सा है मार्गरेटा। सो गाइस हो गया, देख सकते हैं हमारी आंखें कितनी लाल लाल हो चुकी है। सो खत्म हो गया। जा रहे हैं ना, और अब जाएंगे लवी इवानो टर्नोपिल और मुश्ताक भाई कह रहे हैं पूरा यूक्रेन घुमा दो आज। सो गाइस यहाँ पे हमारा सेकंड डे का ब्लॉग खत्म होता है। यहाँ हमारा जो हॉस्टल है आज हम लोग ये छोड़ रहे हैं, बुकोविल आज हम छोड़ रहे हैं। आज हम लवीव के लिए निकल रहे हैं, कल हम लोग काफ़ी थक चुके थे बोदा क्लब से जब बाहर निकले, उसके बाद में लौंडों ने बहुत ज़्यादा पानी में मतलब नहाए हम सब, तो काफ़ी थक गए थे। तो हम लोग कल जो है आने के बाद में कुछ शूट नहीं कर पाए। सो ये बुकविल आज द एंड हो रहा है, आज हम लोग यहाँ से जा रहे हैं, कल पहुँचते हैं हम लोग लवीव। तो लवीव का ये ब्लॉग आएगा इस, तब तक नहीं आज ही पहुँचेंगे, आज ही पहुँचे मतलब आज रात तक पहुँच जाएंगे शायद। मतलब हो सकता है 12 बजे, क्योंकि अभी 12 बजने वाली है, 5-6 घंटे लगने वाली है, तो आज शाम तक पहुँच जाएंगे हम लोग लवीव। तो सी यू गाइस एट लवीव, टेक केयर।